नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि काफी लोगों की उम्मीदों को लूट गई और आज वो भी दर दर भटक रहे हैं। और उस कंपनी का नाम है सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर 2009 में सुरेंद्र सिंह बाघेल और धर्म सिंह कुशवाहा थे। फिर 2014 में मुकेश सिंह जी डायरेक्टर बने थे और 2016 में भारत सरकार द्वारा ये कंपनी बंद कर दी गई और आज इस कंपनी का केस सेबी में पड़ा हुआ है। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देंगे। और साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। हाय, दिस इज नैन्सी हियर और मैं आज आपको MCA के बारे में बताने जा रही हूँ। और बेसिकली MCA आपको MCA के थ्रू आप बहुत ही आसानी से कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक, अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो आपको जस्ट वहाँ पर ब्राउजिंग करना है, आपको गूगल में जाना है। अगर आप PC करते हो तो वो भी बहुत ईजी है, आपको एक गूगल ओपन कर देना पेज और वहाँ पर आपको जस्ट MCA.government.in वहां पर जाके आपको एक क्लिक करोगे सो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में पता चलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली इसमें होता क्या है, मतलब ये कंपनी के बारे में, मतलब ये कंपनी के बारे में क्या एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, जैसे कि आप अगर पेज ओपन करते हो तो आपको MCA के बारे में इंट्रोडक्शन एक छोटा सा मिलेगा। उसमें आपको कुछ ऐसा लिखा रहेगा जैसे कि MCA रेगुलेट्स कॉर्पोरेट अफेयर इन इंडिया थ्रू द कंपनीज एक्ट 1957 2013। मतलब MCA बेसिकली ये जो कॉर्पोरेट के बारे में क्या क्या चीजें एग्जैक्टली होता है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे कि बहुत सारे सर्विसेज है, इन्वेस्टर होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ये एग्जैक्टली करते क्या है, मतलब अगर कंपनी के बारे में आपको जानना है तो उसमें आपको पता चलनी चाहिए कि कंपनी किस तरह से चल रही है, उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये कभी से इनकॉर्पोरेट हुई है, फिर उसमें कौन कौन काम करता है, ये आपको बहुत ही इजीली ये साइट के थ्रू आपको पता कर सकते हो। तो आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर MCA सर्विसेज में जाना है। उसके अंदर आप एक बार जाएंगे तो आपको एक मास्टर डेटा करके मिलेगा। आप मास्टर डेटा में जाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। आपको यहाँ पर गाइस कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है, जस्ट आपको एक व्यू कंपनी जो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा। LLP मास्टर डेटा क्या होता है, बेसिकली लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। अभी आप यहाँ पर एक क्लिक करोगे तो आप पेज ओपन होगा जिसमें आपको कंपनी LLP ने, मतलब ये यहाँ पर दो ऑप्शंस दिया, अगर आप LLP के लिए रजिस्टर्ड हो तो आपको LLP नंबर डालना पड़ेगा, अगर कंपनी है बेसिकली तो कंपनी का नाम डाल देना, और नीचे एक CNN नंबर होता है। तो मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा MCA सर्विसेज के थ्रू हम कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते। आपको सर्च में जाना है सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन, राइट। आप यहाँ पर एक, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कंपनी का जो है सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन। आपको सर्च क्लिक करना है। आप सर्च क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर एक कंपनी आईडी आ गई जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको पास आईडी नहीं मिलेगा, आपको आईडी अगर नहीं मिलता है प्राप्त, तो आप उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक और इजी स्टेप है कि आप सर्च में जाके एक सनशाइन इनबिल्ड इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन आप टाइप करोगे एंड आपको कंपनी के नेम के साथ कंपनी आईडी भी आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर आपको इसके बाद करना क्या है, सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे आपको क्लिक करना है। आपने क्लिक कर दोगे तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, मतलब आपको बहुत इजी स्टेप है, आपको यहाँ पर टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। अभी एक नीचे आपको दिया रहेगा, कुछ कैप्शन दिए रहेंगे जैसे कि आपको सेम टू सेम यहाँ पर लिखना है। गाइज यहाँ पर कोई मिस्टेक मत करना, अगर यहाँ पर आप मिस्टेक करते हो तो आपका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो क्या है, कैप्स है, कैपिटल में है, स्मॉल में है, ये सारी चीजें आपको देखनी है, जैसे कि SAIGET। ओके, साइगेट, यस। आप सबमिट कर दिए। अभी देखो आपको एक प्रॉपर कंपनी के बारे में एक डिटेल पता चलेगा, जैसे आप देख सकते हो कि CIN नंबर क्या है, फिर कंपनी का नाम क्या दिया गया है, कोड क्या है उनका, दिल्ली का है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, कंपनी कैटेगरी कौन से आती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में आती है, सब कैटेगरी क्या है, मतलब ये गवर्नमेंट है कि नॉन गवर्नमेंट है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्लास क्या है इसका, इट इज अ पब्लिकली। फिर बाद में ऑथराइज कैपिटल आपको पता चलेगा कि देखो इसका बहुत ही अच्छा ऑथराइज कैपिटल भी है, पेड अप कैपिटल भी काफी अच्छा दिया गया है,
फिर आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में पता करने, मतलब आपको ये सबसे मेन चीज होती है जब हम एमसीए के साइट पे देखते हैं कि कंपनी कभी से स्टार्ट हुई और आज अगर देखोगे तो आज 2018 चल रहा है, तो ये 2008 की कंपनी है, मतलब ये कंपनी ने कितनी ग्रोथ की इसके बारे में भी आप इजीली पता कर सकते हो। प्लस वो कंपनी का रजिस्टर एड्रेस क्या है, तो किस नंबर किस जगह पे रजिस्टर्ड है, जैसे कि दिल्ली है, तो ये भी आप बहुत इजीली आप पता कर सकते हो। देन नेक्स्ट है ये लिस्टेड है और अनलिस्टेड है, ये बहुत जरूरी आपको जानना गाइज। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता सकती हूँ कि अगर आप कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कंपनी में काम करते हैं और हमको जैसे लोन की जरूरत होती है, तो क्या होता है लोन के लिए हमारी कंपनी लिस्टेड होनी बहुत जरूरी। अगर आपकी अनलिस्टेड है तो आपको लोन प्रोवाइड नहीं करती, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बैंकर्स यहाँ पर चेक करती है, मतलब वो लिस्टेड होना बहुत जरूरी है। ये आपको एक न्यू पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप पता भी कर सकते हो, शायद आपको बहुत अच्छे से भी पता चल जाए बाद में। ओके, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंपनी स्टेटस के बारे में, मतलब हमें पता करना चाहिए कि एक्टिव है कि नहीं कंपनी, तो वहां पर अगर वो कंपनी चालू है एक्टिव है तो वहां पर स्टेटस आपको सीधा सीधा दिखेगा एक्टिव। एंड फाइनली जो स्टेप आता है जो मेन हम देखना चाहते हैं कि वो कंपनी चला कौन रहा है, कितने लोग डायरेक्टर्स है, तो उनका डिडिन नंबर क्या है जिसके थ्रू भी हम उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो डायरेक्टर्स कितने, यहाँ पर टोटल 3 डायरेक्टर्स है जैसे मैं रीड कर रही हूँ, सुरेंद्र सिंह भागेल, देन धर्म सिंह खुशवाग, मुकेश सिंह। तो इनका बिगनिंग डेट क्या है, मतलब ये कंपनी में कब कब ज्वाइंट हुए, ये भी दिया है। देखो पहले वाले का दिया है 27/08/2009, मतलब पहले स्टार्टिंग में दो पार्टनर्स थे, देखो दोनों का डेट भी सेम दिया है, सुरेंद्र सिंह भागेल, धर्म सिंह खुशवाग, एंड जो लास्ट पार्टनर है मुकेश सिंह, शायद वो बाद में एड हुए, जिसका वहां पर ईयर लेट का दिया है 2014, 23/09, 23 सितंबर 2014। सो ये बहुत ही इजी वे में था कि आप कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान सके। हाँ गाइस, तो मैंने आपको कंपनी स्टेटस के बारे में बताया, जैसे कि यहाँ पर एक्टिव कंपनी मैंने बताया, लेकिन मुझे ऐसे पता चला है कि ये कंपनी एक्टिव नहीं है, क्योंकि एक 2016 में कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग का कुछ एक लाइक लॉ टाइप कुछ आया था, जिसकी वजह से ये कंपनी मतलब उससे सूट नहीं थी कुछ, मतलब उसमें कम ज्यादा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये कंपनी को बंद कर दी थी। एग्जैक्टली इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है वो तो मुझे भी डिटेल में पता नहीं चला है कि मतलब क्या है इसके अंदर हुआ था प्रॉब्लम। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये कंपनी क्यों बंद हुई, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, गवर्नमेंट ने क्यों इसके ऊपर ज्यादा एक्शन लिया, तो आपको ये जानना है तो आप प्लीज आप ये वीडियो में कमेंट में बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको मैं क्लियर कर दूंगी उसके ऊपर रिसर्च करके। और सनशाइन इंफ्रा बिल्ड कॉर्पोरेशन के बारे में अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कहीं से तो प्लीज मुझे भी एक कॉल के थ्रू, अदरवाइज आप कमेंट में आप बहुत मतलब वो समझा देंगे इजीली, तो शायद मैं आपके थ्रू ही इन्फॉर्मेशन निकाल के बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूं, तो इट विल बी वेरी गुड हेल्प फ्रॉम यू ऑल गाइज। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक किस तरह से कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए ये शॉर्ट में आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहेगा। सो थैंक यू गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया रहेगा एमसीए के बारे में, सर्विसेज के बारे में, और मैंने कुछ डीन नंबर के बारे में भी आपको बताया था कंपनी का जो डायरेक्टर्स डीन नंबर होता है, तो आप एमसीए सर्विसेज में जाके इंक्वायरी डीन स्टेटस में भी जाके आप अगर डाल देते हो तो आपको बहुत इजीली समझ। यहाँ पर गाइज एमसीए सर्विस के थ्रू आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, जैसे कि डीएससी सर्विसेज हो जाती है, डीन सर्विसेज हो जाती है, एलएलबी सर्विसेज हो जाती है, तो ये बहुत तरह की सर्विसेज है जो हमको पता नहीं चलता है हम कहाँ से फाइंड करें। तो ये एमसीए ये एक ऐसा पेज है जहाँ पर आपको पर्टिकुलर छोटी से छोटी चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अगर आपको क्लोज एलएलपी एलएलपी के बारे में जानना है, एलएलपी के सर्विसेज के बारे में जानना है, बिजनेस में क्या चल रहा है, कंपनी के बारे में जानना है, कुछ कंप्लेन रेज की है उसके बारे में जानना है, तो आप यहाँ पर बहुत इजिली फाइंड कर सकते हो। सो थैंक यू, आई थिंक मुझे जितना भी मैंने आपको आज बताया है आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझा होगा। अगर आपको नहीं भी समझा होगा तो प्लीज आप कमेंट के थ्रू मुझे बता देना कि इस चीजों के बारे में नहीं समझा, ये क्लियर नहीं हुआ। आई एम वेरी थैंकफुल और आपकी जो भी क्वेरीज रहेंगे मैं वो बहुत ही जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में दी गई संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप सभी लोगों को सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ जानकारी है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें वह जानकारी दे दीजिएगा। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।